हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सोमवार को भागलपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान मध्य विद्यालय गनोरा पाथरपुर से प्रारंभ हुई दौड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर के पास सम्पन्न हुई, जिसमें छात्रों ने 2.5 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लिया, जबकि छात्राओं ने दिग्घी चौक से मध्य विद्यालय मनोहरपुर तक 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्य विद्यालय गनोरा पाथरपुर के प्रधान अध्यापक ओज कुमार सिंह, खेल शिक्षक जितेंद्र मणि राकेश और शिक्षक कपिल देव मंडल ने भूतनाथ चौक से रवाना कर किया। इसके अलावा टॉप 10 में जगह बनाने वाले सभी धावकों को प्रधान अध्यापक अजीत प्रसाद पाल और वरीय शिक्षक सियाराम दास ने मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। रेस के दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को भी मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में सुनील कुमार, पंकज कुमार, प्रवीण कुमार, रंजीत कुमार, वर्जेश कुमार और विकास कुमार थे, जबकि मौके पर काफी संख्या में शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्रा के अलावा कई लोग मौजूद रहे। सम्मान के साथ लिया जाता है। कहा जाता है कि उनका जब हॉकी चलता था तो मानो उनके हॉकी में चुंबक है, बॉल सट जाता था। इतने महान खेल प्रतिभागी हमारे बीच आज उनका जन्मदिन है, जिसके मौके पर आप लोग आए हुए हैं। तो ध्यानचंद के जन्मदिन पर हम लोग चाहेंगे कि एक अच्छा सा कार्यक्रम आयोजित हो और इसी सिलसिले में यहां पर दौड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मालदा डिवीजन के DRM यतेंद्र कुमार सोमवार की सुबह भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म समेत पूरे सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक राजीव शंकर और रेलवे के कई अधिकारियों से DRM ने बात कर स्टेशन के रखरखाव और साफ सफाई के निर्देश दिए, जबकि स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट को देखने के बाद DRM ने भागलपुर स्टेशन के लिए तैयार की गई कई कार्य योजना एवं प्रस्तावों पर कार्य कराए जाने की बात कही। इसके अलावा स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधा के लिए पेयजल, बिजली, पंखा समेत जरूरी इंतजाम करने की भी बात कही गई। वहीं इसके अलावा DRM यतेंद्र कुमार जगदीशपुर टिकानी स्टेशन भी पहुंचे, जहां उन्होंने माल गोदाम और स्टेशन का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश भी रेल अधिकारियों को दिया। इस दौरान टिकानी स्टेशन में DRM से जन सुविधाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर DRM ने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर आने वाले दिनों में एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव भी टिकानी स्टेशन पर होगा, जिसके साथ ही पानी समेत हर तरह की यात्री सुविधा भी स्टेशन पर मिलने लगेगी। परंतु इस तरह की अव्यवस्था से मतलब किसी का सामान तो अलग जा रहा है, परंतु बाकी अन्य जो यात्रियों को परेशानी हो रही है, ये कि यात्री असुविधा हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो लोग भी अपना डिसिप्लिन रहे। हालांकि उन पर अपना जो कार्रवाई नियम था वो RPF और ये सही से नहीं कर पाते, इसीलिए लोगों में उस तरह का खुली छूट टाइप का जो है कि मतलब जो टॉयलेट का काम, टॉयलेट की जगह उसको लोग दूसरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज़ तो वो लोग इधर उधर कहीं जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उससे यात्रियों को तो सुविधा होती है, बाकी अपना जो वातावरण को भी गंदगी फैलती है। तो पैसेंजर के अलावा एक्सप्रेस का तो कुछ वो नहीं बन पा रहा, आप लोग ज़्यादा लोग अगर चढ़े या उतरे तो हो सकता है, कितने लोगों के लिए एक्सप्रेस रुकता है सर? इंटरसिटी का ठहराव होना चाहिए सर, 600 आदमियों के लिए रहता है। इतना बड़ा स्टेशन है सर, गाड़ी का ठहराव होना चाहिए यहाँ पे। इसे छोटे छोटे स्टेशन में गाड़ी रुकती है, यहाँ पे नहीं रुकती। पता नहीं पहले चला उसको पॉलिटिकल रहा होगा, बाकी नॉर्म जो ही है, नॉर्म के अलावा पॉलिटिकल नॉर्म होता है। पुरानी सर हॉल्ट। भागलपुर और सुल्तानगंज अजगैवीनाथ समेत जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर सोमवार को गंगा स्नान के लिए सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान अजगैवीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा तट पर तीज एवं चौठ चंदा पर्व को लेकर सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। इस दौरान बिहार, झारखंड सहित कई जिलों की महिलाओं और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं महिलाओं ने बताया कि तीज एवं चौठ चंदा को लेकर वे सभी गंगा स्नान करने पहुंचे हैं और गंगा जल लेकर तीज और चौठ चंदा की पूजा करेंगे। महिलाओं ने कहा कि भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कर वे सभी अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, जबकि चौठ चंदा की पूजा में संध्या के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत पूरा करने का विधान है। साथ ही कहा कि इसको लेकर कई कथा भी है। इधर धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दोनों पर्व महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के साथ महिलाएं अपने पति और बच्चों की लंबी आयु के लिए करती है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भतोड़िया स्थित पूजा ट्रेडर्स के समीप बाइक सवार अपराधियों ने जन वितरण प्रणाली के डीलर पर गोली फायर कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अपराधियों ने राशन डीलर पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई, लेकिन डीलर को एक भी गोली नहीं लगी और वह बाल बाल बच गया। हालांकि घटना में डीलर के हाथ और पैर में गोली का छींटा जरूर लगा, जिससे वह आंशिक रूप से जख्मी हो गया। वहीं इसके बाद आनन फानन में डीलर घटना की शिकायत करने मधुसूदनपुर थाना पहुंचा और पुलिस को पूरी बात बताई। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन घटनास्थल से पुलिस को गोली का एक भी खोखा नहीं मिला। इधर घटना को लेकर डीलर दयानंद यादव का कहना है कि सोमवार की सुबह वह पुरानी सराय से अपने पुराने घर बथोड़िया दुकान खोलने जा रहा था, तभी कंजिया चौक बाईपास के नज़दीक उसकी मुलाकात नूरपुर निवासी अशोक यादव से होने पर वह उनसे बात करने लगा। दयानंद यादव ने कहा कि इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर 3 व्यक्ति आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वह बाल बाल बच गया। साथ ही कहा कि बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति उसके गांव का छंगरू उर्फ अनवर था, जिससे उसका पुराना जमीन विवाद चल रहा था, जबकि अन्य 2 व्यक्ति को वह नहीं पहचानता है। वहीं मामले को लेकर ओपी इंचार्ज महेश कुमार ने कहा कि डीलर पर गोलीबारी घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अशोक यादव नूरपुर का था, वो पैदल जा रहा था, उसी को हम आगे बढ़ कर रोक दिए गाड़ी, उससे गप करने लगे। गप करते वक्त पीछे से एक बाइक पर 3 सवार तेजी मारकर गोली चला दिया। लखीसराय में खेत से वापस घर लौट रहे किसान की नदी पार करने के दौरान डूबकर मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मैंदनी चौकी थाना क्षेत्र के किरणपुर निवासी बीरन महतो के दामाद रविवार के शाम खकरा स्थित खेत से वापस लौट रहे थे, तभी केलापाड़ी के समीप बुनबुना नदी पार करने के क्रम में वह गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद किसान के शव को नदी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया। इधर लोगों ने बताया कि मृतक मूलतः शेखपुरा का रहने वाला था, लेकिन 2015 से वह अपने ससुराल किरणपुर गांव में अपना घर बनाकर रह रहा था। वहीं घटना के बाद किरणपुर पंचायत के सरपंच अमरेंद्र कुमार और मुखिया शैलेंद्र कुमार ने मृतक के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की और मृतक के परिजनों को सरकारी स्तर से मदद दिलाए जाने का आश्वासन दिया।
सनहोला प्रखंड के तिलौंधा पंचायत भकरी गांव में सरकारी नाला को गांव के ही कुछ लोगों ने बंद कर दिया, जिससे नाले का गंदा पानी एक जगह जमा हो जाने से स्थिति नरकीय बनी हुई है। वहीं इसकी लिखित शिकायत ग्रामीणों ने कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी और सनहोला अंचलाधिकारी के साथ सनोखर थाने से भी की। अधिकारियों को दिए गए आवेदन में गजाधर यादव ने तिलौंधा पंचायत के सरपंच देवेंद्र मंडल और विजय मंडल पर उसे परेशान और तबाह करने की नीयत से उसके घर के सामने सरकारी नाला को जबरन मिट्टी डालकर बंद कर देने की बात कही है। साथ ही इसके कारण सारे गांव के गंदे पानी का निकास अवरुद्ध होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि गांव का सारा गंदा पानी घर में प्रवेश करने लगा है, जिससे महामारी फैलने का भी खतरा उत्पन्न होने लगा है। हालांकि इस मामले पर कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है।